चाहिए, मुक्ति का जो अवधि वैकुंठ लोग नहीं चाहिए, वैधि भक्ति को द्वारा जो श्रवण कीर्तन करते हैं वो भी नहीं चाहिए। बोले फिर आपको क्या चाहिए? बोले मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, हमारे हृदय में कृष्ण का जो बाल गोपाल रूप है, जैसे माँ की डर से कृष्ण जैसे मुह श्वास तंब त्रिरेखान कंठ स्थित द्रैव दामोदर भक्ति वदम, जैसे माता जी की डर से कृष्ण कैसे थर थर कांप रहे, कैसे कैसे माँ जसोदा कैसे बारंबार जिस मुख को बारंबार चुंबन करती हैं, जिस मुख का आनंद लेती हैं हमें, वो बाल गोपाल रूप हर समय हमारे हृदय में प्रकाश हो, इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। हम लोग इसको श्रवण कर रहे थे और ये श्लोक को परमेश्वर गुरुदेव हैं, गुरुदेव बहुत अच्छे तरह से गुरुदेव जो व्याख्या किया था उसको भी हम श्रवण कर रहे थे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अगर हमें ऐसे भक्ति चाहिए तो हमें फिर क्या करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु क्रमेण रसना मनस निजज्व इष्टन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिल ईत उपदेश। जितने सारे उपदेश में ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। क्या सर्वश्रेष्ठ उपदेश है? तन्नाम रूप चरितादि, क्या करो भगवान का नाम है। नाम में भी हम लोग श्रवण कर रहे थे, नाम में भी द्वारकाधीश का भी नाम है, ऐश्वर्य ऐश्वर्य युक्त नाम है, कहते उसमें हमें माधुर्य युक्त नाम ग्रहण करनी चाहिए। और वो माधुर्य में भी जो सर्वश्रेष्ठ माधुर्य है ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, यदि ये नाम को जब हम जप करेंगे, नाम जप करते 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 जब धीरे धीरे हमारे सारे अनर्थ नष्ट निर्मुक्त हो जाएगा, फिर रुचि निष्ठा आसक्ति और भाव और प्रेमावस्था में हमें फिर तो युगल सरकार की जिसको अंदर में जैसे रस है उसी रस का अनुरूप हमको वैसे ही भक्ति प्राप्ति होगी है। इसलिए तन्नाम रूप चरितादि, उनका नाम रूप चरित्र संजय प्रभु जी बहुत अच्छे तरह से श्लोक को व्याख्या कर रहे थे, नाम रूप गुण लीला और परिकर वैशिष्टता है। इसलिए कहते कैसे करनी चाहिए, बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुरागी, बोले कहाँ पर रह करके ये भक्ति करनी चाहिए। बोले ये भक्ति अगर करना चाहते हो कहते ये वृंदावन में रह करके भक्ति करो। बोले अगर सब घर बार छोड़ करके चले आएंगे तो वृंदावन में सब वृंदावन में जगह हो गया आना ही पाएगा। ये वृंदावन अगर घर बार छोड़ फिर पैसा कहाँ से आएगा? आप तो फ्री में नहीं खिलाओ, फ्री में रहने भी नहीं करेंगे। इसलिए अगर सब छोड़ करके वृंदावन में आ गया फिर काम फिर चलेगा। इसलिए कहते हैं अगर हम शरीर से अगर नहीं रह सकते हैं, मानस के रूप में श्री वृंदावन धाम में मानस के रूप में रहो। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं जय दिन गृह भजन देखी गृहते गोलक। जिस दिन हमारे घर में यदि न गृह भजन देखे गृहते गोलक भाय, जब हम अपना घर में भगवान का नाम कीर्तन आरती ठाकुर सेवा पूजा करते हैं वही घर ही वृंदावन, वही घर ही वृंदावन वही घर है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैंने पूरा गोलक वृंदावन का जो राधा रानी का निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर उतार दिया है। इसलिए हमारे जितने गृहस्थ भक्त का घर है, जितने जो गौड़ीय मठ है, जहाँ पर सचमुच से ऐसे भक्ति हो है, कैसे भक्ति हो, जैसे ऐसे नहीं टीवी देख देख करके सोए, एक दो बजे टीवी देख देख कर सोए और आठ नौ बजे उठे है, आठ नौ बजे उठे बोले नहीं ऐसे नहीं। इसलिए कभी ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए टाइम में सो जाओ और सो करके क्या करो
एकदम सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग जा। इसलिए बोले चार तरह का स्नान बताया। कितना तरह का स्नान है? एक होता है ऋषि स्नान। बोले ऋषि स्नान किसको कहते हैं? बोले ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो स्नान कर लेते हैं ब्रह्म, जैसे हमारी गौड़िया मठ में देखो आरती से पहले सबके सब स्नान करके आना पड़ता है, सबके सब स्नान करके आते हैं, ये ऋषि स्नान है, इसको ऋषि स्नान कहते हैं। और एक है देव स्नान, जो देवता लोग स्नान करते हैं। बोले वो लोग कितने बजे स्नान करते हैं? कहते सूर्य उदय होने से ठीक पहले वो लोग नहा लेते हैं। तीसरा स्नान है नर स्नान, जिसको इंसान स्नान कहते हैं। किस समय? कम से कम सूर्य उदय में उसी समय में स्नान कर लो। और एक राक्षस स्नान है, एक राक्षस स्नान है। कहते राक्षस लोग कब स्नान करते हैं? कहते सूर्य उदय के बाद में है, रात में भोग करेंगे और उठेंगे 9-10 बजे और अपना मन भर के स्नान करेंगे। इसलिए इसको राक्षस स्नान कहते हैं। इसलिए हमें कम से कम हमें ऋषि स्नान करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने इसलिए बोले मैंने पूरा गोलोक वृंदावन को, ये गौड़ीय मठ का जो रूप है, ये गोलोक वृंदावन में हम सवेरे भजन गाते हैं ना, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल है। इसलिए मंजरी सखियाँ क्या करती हैं, एकदम राधा कृष्ण निकुंज में सो रहे हैं। अभी राधा रानी को जाबट जाना पड़ेगा, कृष्ण को नंदगांव में जाना पड़ेगा है। मैया उठने से पहले मैया को पता नहीं चले मेरे लाला कहाँ पर गया था, और जटिला कुटिला उठने से पहले है उनको पता नहीं पड़े मेरे बहू कहाँ पर गई। इसलिए उसको इसलिए आरती हो जाती है। आरती होते ही है ब्रह्म मुहूर्त में आरती होती है और मंजरी सखी का नहा धो करके तिलक लगा करके सबके सब राधा कृष्ण की है उन पर निकुंज में आरती करते हैं। इसलिए वहाँ पर जो जो हो रहा है ना, इसलिए हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने जो कुछ उन्होंने ये जो मंगल आरती में लिखे हैं, ये कृष्ण भावना मृत से और गोविंद लीला मृत से सब कुछ उन्होंने लिया। हमारे भक्तिवेंद्र नारायण गोस्वामी महाराज वो कहते थे जब उनकी परम उनका जो गुरुदेव जब ये मंगलारती लिखे और बोले देखो ये कैसे हुआ, तो ये मंगलारती महाराज बोले बहुत लंबा हो गया है ये आरती, अब देखना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन वो कितना छोटी है, और जय जय गोराचंद्र मंगलारती आप देखना इतना बड़ा मंगलारती है, इतना बड़ा ये बहुत बड़ा हो गया। महाराज बोले मैं उस समय सोच रहा था बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बाद में मैंने जब गोविंद लीला मृत पढ़ा कृष्ण भावना मृत को पढ़ा देखा ये पूरा का पूरा इसमें कृष्ण भावना मृत गोविंद लीला मृत ये पूरा का पूरा वहाँ जो भाव है सखी मंजरिया कैसे आरती उतारती है उनको वहाँ का परिवेश कैसे है सुंदर, कैसे कमल फूल खिला हुआ रहता है, कैसे तरह तरह का कोयल मयूर कैसे केका कर रहे हैं, कैसे सुंदर सुंदर चिड़िया सुंदर सुंदर कलरव कर रहे हैं, कलरव नहीं करते हैं वहाँ पर सबके सब श्री राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। इसलिए कहते वो जो भाव है हैं वो जो भाव है क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे घर में अगर हम ठीक उसी तरह अगर घर में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त से स्नान कर ले, अपना घर में ठाकुर जी का ये कीर्तन को द्वारा आरती करे हैं, उसको बाद में हम जो जो परिक्रमा करते हैं परिक्रमा करते हैं ना, उसको बाद में जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ ये कीर्तन रोज करते हैं। कि नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने ऐसे एक कीर्तन लिखा जो एक कीर्तन में संपूर्ण ब्रजमंडल उनकी परिकरों का नाम पूरा को पूरा एक कीर्तन में देखे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बस स्मरण होते ही श्री गोविंद गोपीनाथ भजन उत्सव आदि राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावर ऐसी श्री भट्ट द्वादश कर्ण जहाँ सब लीला कैला श्रीनंद नंदन श्रीनंद जसोदा जय। देखो अब एक कीर्तन में नरोत्तम दास ठाकुर पूरा उन्होंने पूरा वृंदावन ब्रज मंडल पूरा के पूरा उन्होंने ये कीर्तन में उतार दिया है। इसलिए हमारे भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते थे जब हम हर कीर्तन करते हैं केवल गाने हो गा दिया ऐसे नहीं, कीर्तन करते समय क
कम से कम हमको स्मरण रहे हम कीर्तन में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो चीज को स्मरण करेंगे तभी तो ऐसे नहीं गाना तो गा लिया लेकिन पता नहीं हम क्या गा रहे, हम पता नहीं क्या गा रहे, नहीं गाते समय कम से कम वो कीर्तन में हमारे गुरु वर्ग क्या बताना चाहते हैं कम से कम उसको थोड़ी सी स्मरण करनी, ठीक है ना। इसलिए कहते पूरा के पूरा गोलोक वृंदावन, इसलिए कहते जदिन गृह भजन देखे गृह थे गोलोक भाई। अगर घर में किसी भावना के साथ में हम मंगल आरती करें, तुलसी परिक्रमा करें, रोज सवेरे स्तुति स्तव करें और जय ध्वनि अगर घर में दे और रोज कुछ गोस्वामी ग्रंथ हमारे भक्ति ग्रंथों को अगर हम अध्ययन करवास कहाँ कर रहे हैं, वृंदावन में। इसलिए कहते हैं कृष्ण ब्रजे कहाँ पर रह करके भजन करो, बोले वृंदावन में रह करके भजन करें। अगर हम अपना घर में ये सब भावना को साथ में अगर हम भजन साधन करते हैं ना अपने वृंदावन में रहो, कृष्ण ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, है कीर्तन कैसे करने चाहिए तदानुरागी, ये ब्रज भक्ति में जिनका अनुराग है उनकी अनुसरण करते हुए ये साधन भजन करने चाहिए, वैसे ही हमें साधन भजन हमें करनी चाहिए। अगर करेंगे तो हम कहाँ रह रहे, ब्रज में रह रहे, हाँ ब्रज में रह रहे। इसलिए लेकिन हमें राक्षस स्नान नहीं करनी चाहिए, हमें राक्षस स्नान नहीं करनी चाहिए, हमें कौन सा स्नान करनी चाहिए बोलो, कौन सा स्नान, अरे हम लोग कौन सा स्नान कर रहे हैं, ऋषि स्नान कर रहे हैं। इसलिए मठ में सबके सब ऋषि स्नान हम सबके सब कर रहे हैं, घर में भी आप लोग सबके सब कौन सा स्नान करना, ऋषि स्नान करेगा तभी हमारी वृंदावन में रहना होगा, हैं तभी हमारी वृंदावन में रहना होगा। इसलिए गुरुदेव ने ये श्लोक को उद्धृत करते हुए उसको बाद में गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे जिन लोगों ने साधन भजन करते हैं कहते उनका ही जीवन धन्य है, उनका जीवन धन्य। कहते फिर ऐसे साधन भजन किसने किया है, तब गुरुदेव कहते उद्धव जी ने ये बात को कहते हैं किसने ऐसे साधन भजन किया। इसलिए उद्धव जब ब्रज में आए ब्रजवासियों को प्रेम का दर्शन किया, विशेष करके गोपी राधा जी के प्रेम का दर्शन किया, उसी समय उद्धव जी अरे पांच श्लोक को द्वारा उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को गाते हैं, बोले एता परम तनु भृगो गो गो गोवद्ध गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भाव वांछति जद भाव भियो मुनयो गयंच किं ब्रह्म जन्म वीरन अनंत कथा रसस्य। उद्धव जी कह रहे हैं ऐसे जो भजन है ये ब्रज गोपियों ने ऐसे भजन किया है, बोले कैसे, बोले एता परम तनु भूत भूवि गोवद्ध, कहते अगर इसी किसका जीवन इसी जगत में किसका जीवन धन्य है, कहते किसका जीवन धन्य है और किसका जीवन धारण करना सार्थकता है, किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है, कहते ये ब्रज गोपियों का जीवन ही जीवन धारण करना इनकी सार्थकता है। यद्यपि सब भक्तों ने भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी दास्य रस के भक्त शांत रस के भक्त और उनकी सख्य रस का भक्त बात्सल रस गोपियों की, लेकिन कहती है सारे भक्तों में अगर जिसका जीवन धारण करना सार्थकता है ये पृथ्वी में ये गोपियों का जीवन सार्थकता है। बोले क्यों, बोले कृष्ण का प्रति इनका जो भाव है, कृष्ण के प्रति इनकी जो भावना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहले तो उद्धव जी बड़े अभिमान को लेकर कहते अरे इनको समझाना मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, इनको तो चुटकी बजा के मैं समझा दूंगा, हैं मैं इतने बड़े ज्ञानी हूँ, क्योंकि वो कौन है, बोले शिष्य बृहस्पति साक्षात, कहते शिष्य वो बृहस्पति के शिष्य थे, इसी जगत में उसको कोई टीचर नहीं मिले उसको पढ़ाने के लिए, इसलिए उनको कहाँ जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा स्वर्ग में बृहस्पति के पास में, उन्होंने विद्या पढ़ करके आए हैं, सारे विद्या वहीं पर पढ़ करके आए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं उनने तो सारे विद्या वहाँ पर तो पढ़े हैं, लेकिन सारे विद्या लेकिन एक अध्याय उनको बाकी रह गया था, बोले कौन सा अध्याय बाकी रह गया था, बोले उन्हें प्रेम की विद्या उन्होंने नहीं पढ़ा, सारे विद्या तो पढ़ लिया था लेकिन प्रेम की विद्या को उन्होंने
नहीं पढ़े थे, इतना पढ़ाई उनकी बाकी रह गई है, इसलिए उनको कृष्ण ने वृंदावन में भेजे, बोले भैया जो एक अध्याय बाकी रह गया ना वो अध्याय को पढ़ करके तुम आ जाओ, फिर तुम्हारे साथ में हम बात करेंगे, फिर तुम्हारे मन को थोड़ा तसल्ली मिलेगा, इसलिए उनको वहाँ पर भेजे। लेकिन कहते उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाय भक्तों की बाजे प्रेम की, इसलिए जब उन्होंने उनकी प्रेम का दर्शन किया तभी उन्होंने उनकी प्रेम को, गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम कोई टोपी पहने हुए लेकिन एक पर्वत है विशाल जैसे एवरेस्ट में जैसे हिमालय, अगर वो पर्वत को अगर ऐसे आप देखोगे ना ऐसे देखते 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 इतने ऊंचा जो पीछे जो सर पर टोपी होगा नीचे गिर जाएगा। इसलिए कहते उद्धव जी का जो ज्ञान का जो टोपी था उन्होंने ब्रजवासियों का प्रेम को देखते 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 टोपी गिर गया। हाँ तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर जगत में किसका जीवन धारण करना सार्थकता है, किसकी जीवन है, बोलिए ब्रज गोपियों का जीवन धारण है, क्योंकि कृष्ण के प्रति इनका जो भाव है सर्वश्रेष्ठ का धन्य यही लोक धन्य है, क्योंकि बांछत जत भव भी वो मुन्नय भयंच, बोले जिनकी भाव को है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि सुगुरु का पदार्थ, जिनकी चरण कमल है, कहते ब्रह्मा के लिए भी जिनकी चरण कमल दुर्लभ है। ब्रह्मा जहाँ पर ब्रज के बाहर पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, शंकर तो गोपी बन करके आ ही गए शंकर है, तभी उनको गुंडचा मार कर निकाल दिया। इसलिए उद्धव जी यहाँ की धूल है, वहाँ के ब्रज में तृणव गुल्म लता बनना ब्रज में चाहते हैं, है नारद जी, नारद जी कुंड पर तपस्या कर रहे हैं उसी भाव को पाने के लिए, इसलिए यहाँ कहते हैं बांछत जत भव भी वो मुनयो भयंच, जिस भाव को मैं भी स्वयं जिस भाव के लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर ब्रह्म जन्म भी मिल गया हमें, अगर ऐसे कृष्ण कथा में अगर रुचि नहीं हुआ ना बोले उस जीवन भी तुम्हारे स्वीकार है, उनका जीवन सार्थकता है जिनको किसी भाव की प्राप्ति हुई, जिनको कृष्ण कथा में जिनकी रुचि हो गया, समझो उनका जीवन ही सार्थकता है। इसलिए तब गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कहते भैया इतनी ये चीज हमें मिलेगा कैसे, प्रार्थना करते हैं, फिर उन्होंने गुरुदेव वित्रा सुर का एक श्लोक को लेकर के मम उत्तम श्लोके जने सुसख्य संसार चक्रे भ्रमित स्वकर्म कुबेर, प्रभु भले ही अपना कर्म का फल से मैं जहाँ भ्रमण कर कोई बात नहीं, पशु पाखी हुई था कि स्वर्गवानी रहे, भले स्वर्ग में हो क्यों नरक में क्यों नहीं हो, अगर पशु पक्षी बन करके गवर रहे तो तब भक्ति रहो भक्ति भक्ति, इसलिए भले ही हम कहीं रह गए इसलिए उसके लिए परवाह नहीं, लेकिन मम उत्तम श्लोक जनेशु सत्य, कहते किसको साथ में हमें मित्रता करनी चाहिए, कहते भैया सबके साथ में मित्रता मत क्या करो है, क्योंकि जैसे संग है ना वैसे ही जैसे बदल संघ के हिसाब से मैं जीवन में संग, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब किसी व्यक्ति का संग करो ना है जिसको साथ में मित्रता करो, पहले देख लो आप किसको साथ में मित्रता कर रहे हो, सबसे पहले देख लो ये व्यक्ति कैसे है, कभी तो तुम्हारी भजन जिस लेवल पर चल रहा है तुम्हारी भजन है उससे नीचे व्यक्ति का संग मत किया, उसका नीचे व्यक्ति का संग मत किया कर, क्यों अगर नीचे व्यक्ति का संग पर तुम्हारी भाव भी धीरे धीरे नीचे उतरता है, हर समय क्या करो हमसे जो भाव से जो उच्च है अगर उनका संग करेंगे तो फिर हमारा भावना धीरे धीरे ऊंचा बढ़ेगा, कम से कम कहते हैं अपना लेवल का तो अगर अगर उच्च का संग अगर नहीं कम से कम अपना लेवल का तो भक्त संग, लेकिन नीचे व्यक्ति का संग मत करो, लेकिन हमारा स्वभाव कैसे अगर थोड़ी हमारे मन कभी इकट्ठा हो गया कभी खराब हो गया ना, हम तो बराबर व्यक्ति व उच्च व्यक्ति के पास में जाएंगे ना, देखेंगे नीचे पर व्यक्ति उसको हम ढूंढेंगे, उसको बोलेंगे मंदिर में ऐसे ऐसे हो रहा है, महाराज जी ऐसे ऐसे हमें बोल दिया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, अगर हम किसी उच्च वैष्णव के पास में जाएंगे वो हमें समझाएगा है, चिंता मत करो घृणा कभी सुनिश्चित होकर रहो, प्रभुपाद ने बोले सहन करके रहो है, वो समझाएगा हमें भजन करनी चाहिए, अगर नीचे व्यक्ति को जाओ हाँ मैंने भी सुना है वो भी ऐसे कर रहा था, हमने सुना और हमने सुना वो भी ऐसे कर रहा था, वो व्यक्ति भी ऐसे था,
अरे हमने सुना, अरे वो भी तो ऐसे ऐसे चला गया, बस वो सारे जितना एग्जाम्पल देगा ना, कोई ऊंचा एग्जाम्पल नहीं देगा, वो जितने नीचा एग्जाम्पल देगा हमें। अरे हमारी जो भक्ति है ना, जो थोड़ी थोड़ी रही सही भक्ति, वो भी नीचे उतर करके आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए कहते नहीं, साधु सावधान, इसलिए कहते साधु सावधान। इसलिए कभी नीचे व्यक्ति का संग मत किया करो, उच्च व्यक्ति का समय उच्च व्यक्ति का संग करो, नहीं तो ग्रंथ का संग करो। इसलिए किसने मेरे गुरुजी को कहा, बोले गुरुदेव हम तो बहुत दूर में रहते हैं, आप कहते हो साधु संग करो, हम तो दूर में रहते हैं, हम साधु कहाँ से मिलेगा, हम तो कभी सप्ताह 15 दिन महीना में कभी आ पाते हैं। तो गुरुदेव ने कहा मैं तुमको साधु दिया है ना, बोले गुरुदेव कहाँ कौन सा साधु दूँ। तो गुरुदेव कहते मैंने चैतन्य भागवत तुमको नहीं दिया, मैं तुमको उपदेशामृत नहीं दिया, मैंने तुमको जैव धर्म नहीं दिया। गुरुदेव कहते थे जब जैव धर्म पढ़ो समझना भक्तिविनोद ठाकुर का संग कर रहे हो, जब चैतन्य भागवत पढ़ो समझो वृंदावन दास ठाकुर का संग कर रहा है, जब उपदेशामृत पढ़ो किसने उपदेशामृत लिखे, रूप गोस्वामी समझो, हम श्री रूप गोस्वामी का हम संग कर रहे हैं। ये साधु ग्रंथ रूप में ये साधुओं का विद्यमानता है। इसलिए कहते मम उत्तम श्लोके जनेश सख्य, हमारे जो सख्य हो मित्रता हो किसको साथ में, कहते हैं उत्तम श्लोके जनेश सख्य, जो भगवान की जो भक्त है हर समय उनकी संग हो। अगर भक्तों का संग हमारा हो रहा है ना, हमारा भक्ति देखना एकदम पनपनाट से बने, भक्ति कभी घटेगी नहीं, भक्ति हर समय बढ़ते रहे, क्योंकि श्रवण कीर्तन जले भरे सचन, श्रवण कीर्तन रूपी पानी से हम क्या कर रहे हैं, वो पौधा को लता को भक्ति रूपी लता को हम पानी दे रहे हैं, वो कभी नीचे नहीं आएगा, हर समय ये बढ़ते रहे। इसलिए साधु संघ की बहुत जरूरत है। इसलिए कहते हैं प्रभु भले ही अपना कर्म से मैं कहीं ना कहीं जैसे भ्रमण करे भक्त का संग हो, लेकिन प्रभु जी एक ही कृपा कर किया है, तो माया आत्म तारक गेरा सोसाक्त चित्त से ननाथ हो। इसलिए हे प्रभु जो व्यक्ति ये स्त्री पुत्र परिवार की माया में जो लोग मोहित लोग है ना प्रभु, उनका संग मत दिया, क्योंकि जो संग मेन वस्तु संग, जैसे संग में रहोगे धीरे 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 वैसे ही ढल जाओगे, वैसे ही ढल जाओगे, हैं वैसे ही ढल जाओगे। इसलिए प्रभु कभी भी ये माया में जो मुक्त व्यक्ति स्त्री पुत्र परिवार में जो मोहित व्यक्ति है ना, कहते प्रभु जी कभी भी ऐसे हमें व्यक्ति का संग को हमें प्रदान मत किया करो, हैं क्योंकि ये सत्संग जिसने बलवान है ना, ये असत्संग भी उससे ज्यादा बलवान है। इसलिए एक मकान खड़ा करना कितना कठिन है बताओ, कितने पैसा कितने जरूरत है एक मकान खड़ा करना, लेकिन इसको तोड़ना चाहे तो कितना दिन लगा होगा बनाने के लिए, एक दिन में तोड़ फोड़ करके एक दिन में खत्म हो जाएगा। हमने देखा और हमने और एक चीज देखा, किसी वैष्णव ने हमें बहुत प्यार दिया, भक्ति जगत में बहुत बढ़ाने के लिए हमें कोशिश किया, लेकिन वो वैष्णव जो थोड़ी सी किस कारण से हमें थोड़ा डांट लगा दिया ना, बस इतना दिन उन्होंने हमें जो प्यार दिया प्रेम दिया भजन साधने के लिए हमें इतना ताकत दी, वो चीज को हम नहीं देते। उसका जो दोष है ना, और हमारे अच्छे के लिए कभी उन्होंने शासन किया होगा, किसी अच्छे के लिए शासन किया होगा, हमने इतना दिन हमारे प्रति उनने जो प्रेम प्रीति दिया पढ़ाया लिखाया वो चीज को नहीं देखते हैं, वो क्या कौन सा चीज को देखते हैं, हमने कोई गलती किया हमने कोई शासन कर दिया, बस वही चीज को देख करके उनका प्रति मन खराब हो जाता है और भक्ति भक्ति हम छोड़ देते हैं। नहीं भैया ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे हमें जिनसे है इसी जगत में अगर कोई 100 रुपया दे देना हम जिंदगी भर उसका ही सफारी विपत्ति में 100 रुपया दिया, लेकिन जिसने हमारे भक्ति जीवन को जिसने हरि कथा के द्वारा भक्ति जीवन को जिसने पालन किया है हम का चरण में कितने ऋण जो सोच नहीं सकते। इसलिए कभी भी कहते वह व्यक्ति भक्ति जगत में उतना ही स्थित है जो जितना गुरु वैष्णव का ऋणी को जो जितना मानता है उतना ही भक्ति में बढ़ रहा है। ऐसे नहीं हमारे मंगल के लिए गुरु वैष्णव बोले और उनका ही हम विरोध हो जाते हैं, उनका ही हम विरोध बन जाते हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना करते प्रभु असत संग जैसे हमारे जीवन में नहीं हो, ये भक्ति से चुप्त कराने वाले सबसे ज्यादा ये
असत्संग जगत असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त ये दो ये असत्संग है ये दो असत्संग से हमें दूर रह करके हमें साधन भजन करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव बहुत बहुत कुछ बात बताते हैं। हाँ इष्टे सरस किराग परमा परमा विष्टता भवेत तन्मय जा भवेत भक्ति सार रागा मी को दितो। इसलिए किसको रागात्मक भक्ति किसको कहते हैं बल्कि जिनका इष्ट में जिनको संपूर्ण रूप में उसमें जैसे अनुरजित हो उसमें पूरा का पूरा जो तन्मय का भाव उनको जैसे उद्धव जब ब्रज में गए उसी समय राधा रानी कृष्ण कैसे एक भंवरा बन करके राधा जी के चरणों के ऊपर बैठने के लिए आए और राधा रानी कैसे वो भंवरा को कृष्ण के दूत मान करके कैसे तो टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी कैसे बात करने के बोले बोले खबरदार वो काले का बात हमारे सामने मत किया करो वो जन्म जन्मांतर का काले हैं ऊपर जैसे काले हैं ना वो अंदर भी वैसे काले हैं ये कम काला नहीं ऊपर से तीन जगह से टेढ़े अंदर से भी वो टेढ़ाई है इसलिए वो काले का बात मत करो और किसका बात किया करो। हाँ जानते हो काले ने क्या किया सत्ययुग में ऐसे किया बामन अवतार में आकर के हैं उसने जैसे कौवा खुद खाता है और का करके सब कौवा को बुलाकर फिर ठोकर मार खाता और ठोकर मारता है ये भी इसका भी स्वभाव ऐसे है। इसलिए सत्ययुग में आया बामन बन करके है तीन पग जमीन में आगे अरे तू तीन पग जमीन में आगे अपना प्यार से मारो ना प्यार बढ़ाने का क्या जरूरत है तेरा है एक प्यार में तो घूर घूस मोहजन तप सत्य लोग दूसरे अतल बीतल पाताल ले लिया और तीसरे बगैर नहीं तो उसको नागपास को बांध दिया नागपास बंधन में उसको है उसको बांध दिया उसको। इसलिए कौआ की जैसे व्यवहार तृतीय युग में भी वो एक काला आया वो बड़े सुंदर बन करके जंगल में गया है बड़े सुंदर अरे सुपर्णखा उसके प्रति आसक्ति हो गई सुपर्णखा का कोई दोस्त थोड़ी थी स्त्रियों का स्वभाव है किसी सुंदर पुरुष को देखकर आसक्ति होना तू इतना सुंदर क्यों बना अगर तू इतना सुंदर नहीं बनता तेरे प्रति वो आसक्ति नहीं होती ठीक है तू शादी करना नहीं कर उसका नाक कान उसका तो नाक कान भी कटवा दिया। इसलिए वही काले हैं वही काले अभी भी ये द्वापर जी को भी ये काला है इसलिए इसका बाहर भीतर काले ही काले हैं। जब सारे कृष्ण की हैं उसको निंदा ही निंदा कर रहे थे इतने में उनको बोले बोले स्वामी नहीं अगर वो इतने काले हैं लेकिन मैं जब से आ रहा हूँ तुम उसी काले 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 की बात कर रहे हो उसको बात छोड़ो ना दुनिया में बहुत सारी बात और कोई बात करो लेकिन जब से आया बस उनकी महिमा गा रहे हो वो काली की बात छोड़ो यही तो बात है और जीवा में ऐसे बैठ गया है ना ये जीवा से जब कोई बोली निकलती है उसके प्रशंसा उसके महिमा के बगैर कोई बोली नहीं निकलती है। ये आंखों को हम समझाते हैं भैया काले चीज छोड़ कर और कोई चीज को देखो लेकिन ये आंख ऐसे निगोड़ी है जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सुरे जहाँ देखते उधर केवल काले ही दिखता है। ये कान को समझाते हैं भैया कृष्ण की बंसीधन छोड़ करके और कोई चीज को सुनो ना लेकिन ये कान में आते हैं तो केवल उनकी बंसुरी की आवाज उनकी सुंदर मिट्टी मिट्टी आवाज आती है। प्यार को समझाते हैं और कहीं क्या हो लेकिन ये प्यार ऐसे निगोरी है कृष्ण का जहाँ लीला क्या वहीं पर जाता है। हम बहुत समझाते हैं ये मन को तुम उनका काले की चिंता मत करो लेकिन पता नहीं वो ऐसे कण कण में बैठ गया वो निकालने पर निकलता नहीं। ये नागा जिनकी पूरा रग रग में गुरुदेव उदाहरण देते जैसे कि रुई को पानी में जैसे डूबो दो जैसे उसका कण कण में पानी जैसे उसको कण कण में पानी प्रवेश कर जाती है उसी तरह इनके अंदर में ये भक्ति इनके अंदर। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव बहुत अच्छे गुरुदेव बात कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कहते हाँ ये जो भक्ति गुरुदेव तो यहाँ बहुत सारी बातें बताए कहते ये जो भक्ति है ये भक्ति बड़े दुर्लभ भक्ति है ये भक्ति साधारण भक्ति ये नहीं ये साधारण भक्ति नहीं ये कोई साधारण भक्ति नहीं। इसलिए कहते अगर ये भक्ति को अगर करना तो हमें क्या करनी चाहिए
महाराज अभिलसे। अगर ऐसे अगर ब्रज में वास करना चाहते हो, रात को साथ में अगर ऐसे राधा कृष्ण की हैं सेवा करना चाहते हो, क्या करो, ऐसे जो भक्त हैं कहते ऐसे भक्तों का तुम अनुसरण करो। तुमको कौन है, बोले स्वरूपम श्री रूपम सहगण श्री सनातन गोस्वामी हैं, ये इनको हृदय से पुकार पुकार करके इनका नाम लो, और ऐसे भक्तों को अगर स्मरण करोगे, ऐसे भक्तों का ग्रंथ पढ़ोगे, ऐसे भक्तों का अनुसरण करोगे ना, धीरे 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 वो भक्ति हृदय में आ जाती। पर लास्ट में गुरुदेव कहते हैं, भैया ये भक्ति भी बड़ा दुर्लभ भक्ति, ये भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं, ये भक्ति को पाने के लिए गुरुदेव कहते हैं, पहले तो ये त्रिनाथ अभी सुनने चाहिए सुनना अमानीनानुमान देना कीर्तनीय सदाई। ये त्रिनादपि महाप्रभु ने ये त्रिनादपि श्लोक के अनुरूप अपना जीवन को बिताओ, तभी वो भक्ति हमें मिल सकती है। तो गुरुदेव ने ये त्रिनादपि सुनिश्चित कैसे बननी चाहिए, तो गुरुदेव ने एक सुंदर कथा सुनाई है। किसकी कथा सुनाई, बोले उन्होंने कृष्ण की कथा सुनाई। बोले देखो जीव की बात छोड़ दो, हरिदास ठाकुर तो उन्होंने त्रिनादपि सूर्य जी का मूर्तिमान स्वरूप है, 22,000 में पिटाई हो जाने पर भी है उन्होंने स्वयं सुदर्शन चक्र वैकुंठ से आ गया प्रभु देख करके, लेकिन वो उनके लिए कल्याण सोच रहे थे। बोले प्रभु ये अज्ञान ये मूर्ख कुछ नहीं जानते हैं, इनके अपराध को आप माफ कर दो। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए हैं, लेकिन ये प्रार्थना उनके कल्याण के लिए कर रहे, फिर सुदर्शन चक्र वहीं से वापस चला गया, भगवान स्वयं अपना पीठ को उनको पीठ पर लगाने से हैं। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है, मारने का तो दूर की बात है, अगर थोड़ी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बोल देना बस हम सोचते सुजग मिलेगा तेरे को दिखा दे है, अगर सुजग मिले तो बोलना जो बोल रही है, हमारे टाइम आएगा तो हम तुमको दिखाएंगे हैं सब दिखाएंगे, इसलिए हम तक नगर में क्रोध आ जाता है। तब यहाँ पर महाराज जी गुरुदेव कृष्ण का एक सुंदर कथा सुनाए। बोले एक समय श्री दुर्वासा जी आ गए द्वारका, जब दुर्वासा द्वारका में आए तब बोले भोजन भोजन बनाओ, भोजन करना चाहता हूँ। इतने में उनके लिए जब भोजन बना रहे थे बस फट नहीं चले, कहीं अंतर ध्यान वगैरह चले गए, जब अंतर ध्यान वगैरह चले गए, जब वहाँ बोले भोजन बनाओ, जो भोजन तैयारी हुआ चले गए, जब चले गए तो भोजन बना रहे थे, फिर आ गए, जब फिर आ गए फिर आ करके कितने बजे आ गए, रात को एक दो रात का बीच में आ गए, बोले उठो हैं भगवान को उठा दिया उनकी रुक्मिणी को, सत्य को उठो रात को बीच रात में उठो खाना खिला, जब उनके लिए बना रहे थे तो भाग गए, बोले भोजन करा, फिर आकर बोले उठो, उठाया उनको, उठा करके बोले खीर खिला, फिर खीर बनाए, जब खीर बनाए जब खीर जब बनाए खीर बनाते समय बोले ये खीर को दुर्वासा थोड़ी खाए, बोले खीर लो पूरा कृष्ण का शरीर में, ये खीर को पूरा लगा दो, खीर को शरीर लगा दो, और एक रथ ले आओ रुक्मिणी इसमें घोड़ा बनेगी है, रुक्मिणी घोड़ा बनकर खींचेगी और कृष्ण स्वयं सारथी बनेगी और रथ में मैं बैठूंगा, रुक्मिणी को लगा दिया, रुक्मिणी तो अभी खींच रही रथ को, जब खींच रही थी खींचते खींचते तो थोड़ी दूर में जा करके कहाँ इतने राज रानी है वो कहाँ ये रथ खींचने का सवाल है, थोड़ी दूर जाकर तो रुक्मिणी बेहोश हो गई है, जब बेहोश हो गई फिर ये दुर्वासा गई, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर कृष्ण ढूंढने लगे दुर्वासा कहाँ कहाँ गए, दुर्वासा कहाँ गए, और ढूंढने लगे, जब ढूंढने लगे फिर थोड़ी देर बाद में फिर प्रकट हो गए कि बोले मैंने जो खीर खाया पूरा कृष्ण शरीर में लगा, पूरा कृष्ण का सारा शरीर में खीर को लगाया, खीर को लगा करके बोले देखो जो खीर है जो लगाया सारा शरीर में, तुम्हारा सारी शरीर वज्र हो गया, तुम मर नहीं सकते हो, क्योंकि सारा शरीर में तुमने मेरे उच्चिष्ट को लगाया इसलिए वज्र हो गया, लेकिन केवल प्यार में जो खड़े हुए थे प्यार का जो तलवा था वहाँ पर खीर नहीं लगाया, वहीं पर थोड़ी सी कचा रही, यहीं पर मरने का चांस है, यहीं पर मरने का चांस है, और तुम्हारा सारा शरीर वज्र हो गया। फिर उन्होंने वरदान दिए हैं, जब वरदान दिए बोले देखो कृष्णा रुक्मिणी मैं तुम दोनों को परीक्षा कर रहा हूँ,
दुर्वासा का शंकर जी के प्रकाश है, इसलिए कहा उनका इष्ट तो कृष्ण है ना। बोले तुम्हारी धैर्य को मैं परीक्षा कर रहा था, इसलिए तुम्हारी जो धैर्य है आप कहाँ परस्पर परात्पर तत्व होकर के हमें रथ में बैठा कर खेचे और रात को बीच आकर तुमको उठाया। तुम्हारी अंदर में ये जो त्रिनाद भी सुनी चल ये श्लोकों को मैं देख रहा था, इनके अंदर में कितने दिन था है। अभी तुम लोग ने पास हो गए हो, मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ। बोले रुक्मिणी तुम चिर सौभाग्यवती रहोगी, है तेरी सुहाग अटल अचल, तुम्हारी सुहाग अटल अचल रहेगा। और कृष्ण को भी उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारे नाम भी सारा दुनिया में जय जयकार होगा। इसलिए गुरुदेव ये श्लोक को ये कथा को सुनाते हुए कह रहे हैं, देखो कहा कृष्ण दुनिया का मालिक, लेकिन इनके अंदर में देखो कैसे त्रिनाद सुनिश्चित कैसे भावना, और तो हम तो साधारण साधक है। इसलिए हमें ये चीज कृष्ण से हमें ग्रहण करनी चाहिए, ये चीज हमें शिक्षा लेनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं अगर ये श्लोक को अपना जीवन में पहले उतार, क्योंकि कहते वैष्णव है तो मन छिलो बड़े स्वाद और त्रिनाद से सुनी थी श्लोके बड़ी गलत बात। वैष्णव बनने के लिए तो मन में बड़ी इच्छा थी, हम वैष्णव बनेंगे वैष्णव बनेंगे, लेकिन जब सुना त्रिनाद भी सुनी चलो है बोले तरल अभी सही सुनना, इतना छोटा बनना पड़ेगा, मारने पर भी हम बोल नहीं सकते है, सबको सम्मान दे खुद भैया हम वैष्णव नहीं बन सकते, हमसे ये वैष्णव नहीं बन सकते। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अगर ये ब्रजभाव को पाना चाहते हो, ये त्रिनाद अभी सुनी चुका लोगों का आदर्श रूप में ग्रहण करते हो, ये फिर धीरे 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 इसे भक्त का संग करो, फिर एक दिन कृष्ण का ये बाल गोपाल रूप तभी हृदय में एक दिन प्रकट होगा। बोले गौर प्रेमानंद अभी हमारे सियावर रामचंद्र गुरु जी आए, अजय गुरु की तैयारी होते आज समय नहीं आज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम राजा का गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाल श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात कोई बात भक्ति के नाम सीधे महाराज जी के चरणों में मेरा सुंदर प्रणाम संजय प्रभु और समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम। हम लोग कल गिरिराज गोवर्धन गए और वहाँ पे अन्नकूट महोत्सव ने किया, गुरुदेव का लेक्चर सुन रहा था बहुत सारे विचार दिमाग में आ रहे थे। जिस समय पृथ्वी के ऊपर पाप का बोझ बहुत अधिक हो गया तो ब्रह्मा जी के पास गए, पृथ्वी को और अन्य देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी तीर्थाकर पे गए और वहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना की।
क्षीर सागर में हिरण्यकश्यप ही विष्णु है, उनको हिरण्यकश्यप ही विष्णु दिखाई नहीं दिए, किनारे पे बैठे हैं और स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी जैसी उनको कुछ चीज सुनाई दी। भगवान को तुम्हारी समस्या का, पृथ्वी की समस्या का पता है। क्षीर से विष्णु कह रहे हैं भगवान, इसका मतलब वो भगवान से ऊपर भी कोई भगवान है, उनको पता है, वो स्वयं आकर भार उतारेंगे समस्त देवताओं को। बोलो वो पृथ्वी पे जाके उनके कार्य, उनकी लीलाओं में भाग दे, उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत हो, सब देवताओं के लिए। अब वही देवताओं के राजा कौन है? सारे देवताओं, 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र, महेंद्र, महाइंद्र, देवेंद्र, देवों के इंद्र, वो कृष्ण की लीला को देखकर कृष्ण को पहचाना नहीं पा रहे। ये वही भगवान है जिन्होंने बोला था जाओ, ऐसा क्या बात है वो पहचान नहीं पा रहे। उसमें बोला उनको मज था अपने पैसे का, अपने पोजीशन का मज, घमंड। तो ये जो अभिमान है ना, बड़ा खतरनाक चीज, कितनी खतरनाक चीज है, ये सामने ऐसा पर्दा डाल देता है कि भगवान भी खड़े तो भगवान दिखाई नहीं। अभिमान, अच्छा किस चीज का अभिमान? दो चीजों का अभिमान, क्या मैं स्वर्ग का राजा हूं, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कर रहे और बहुत पैसे वाला हूँ, धनी कर धन कर। कुंती बोलती है भगवान से प्रार्थना करते समय भागवत में कि चार तरह का अगर किसी के अंदर गुण हो तो उसमें मद आई जाए, मद में अभिमान। क्या क्या गुण? रूप, कोई बहुत सुंदर हो नखरे आई जाए, ये अभिमान। ज्ञान, ज्ञान हो, धन, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, और ऊंचे कुल में जन्म और उसका अभिमान। अब इस अभिमान के कारण भगवान भगवान नहीं दिखाई देते। इंद्र को ये अभिमान आया हुआ है और भगवान उस अभिमान को तोड़ना चाहते हैं। और इधर इंद्र को अपॉइंट किसने किया? अपॉइंट किसने किया? खुद भगवान ने अपॉइंट किया तो इंद्र बने। वो पहले से घोषणा हो जाती है कि उस इस ये इंद्र बनेगा, ये वाला व्यक्ति इंद्र बनेगा, अपने कर्मों से वो इंद्र बनता है। पर अपॉइंट कौन करता है? वो भगवान ही करते हैं। भगवान ने इंद्र को अपॉइंट किया, शक्ति तो दी, अब लोग उसकी पूजा करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, हर यज्ञ में देवताओं का आह्वान करते हैं, ये भी किसने किया अरेंजमेंट? ये भी भगवान ने। खुद तो उन्होंने इन देवताओं की पूजा का बंदोबस्त किया और खुद ही उसकी पूजा को क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं।
स्ट्राइक कर रहे हैं। एक तरफ पूजा का विधान करा देते हैं और एक तरफ पूजा को रिजेक्ट कर देते हैं। योग माया को बुलाया कि देवकी के गर्भ में ये जो सातवां बच्चा है इसको आकर्षित करके रोनी के गर्भ में ले जाओ और फिर मैं गोकुल में जन्म लूंगा और तुम मेरी अनुजा के रूप में जन्म लेना। अनुजा मतलब छोटी बहन, क्योंकि तुम मेरी सेवा करोगी इसलिए ये मेरा आशीर्वाद है कि सब जगत में तुम्हारी पूजा होगी, अलग अलग नामों से तुम प्रसिद्ध होगी और लोगों की इच्छाओं को क्या करोगी, पूरा करोगी। ये पूजा किसने स्थापित की? देवी की पूजा। देवी की पूजा खुद कृष्ण ने स्थापित की, इंद्र की पूजा खुद कृष्ण ने स्थापित की। एक वो था बारबरी, उसका सिर काट के महाभारत दिखलाई उसको और बाद में उसको आशीर्वाद दे दिया कि तू मेरा इतना प्रिय है कि मेरी जैसी तेरी पूजा होगी। और ढेर सारे लोग उन्हें खाटू श्याम कहकर भगवान के बराबर ही उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। खुद तो पूजा करवाते हैं और वही गीता में लिख देते हैं कि इन देवी देवताओं की पूजा करोगे वो अविधि पूर्वक पूजा है। इतना अद्भुत बात गुरुदेव बोल रहे हैं। कैसे साई बाबा के बारे में काम होता है, साई बाबा कितना जो होता है साई बाबा सबसे ज्यादा तो इसमें साई बाबा और एक जय गुरुदेव दिल्ली में है कोई श्री गुरु जी कुछ ऐसे शनि देव, ये सारी पूजाएं भगवान ही स्थापित करें। साईं बाबा की भी पूजा भगवान ने स्थापित। गीता में भगवान कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, जो जिसकी तरफ आकर्षित होता है मैं उसकी उसी में श्रद्धा बढ़ा रहा और उस समय विश्वनाथ चतुर्दीपाजी टीका करते हैं कि जितनी भी पूजाएं हैं जो हो रही हैं देवी देवताओं की वो भी भगवान ही करवा रहे हैं क्योंकि किसी में श्रद्धा। अब देखो एक निर्मल बाबा है लोगों की उतनी श्रद्धा पैदा करा ले। निर्मल बाबा कहते हैं तुम्हारे पे देवी की कृपा होगी अगर तुम चौड़ी परोठी खाने के बजाय त्रिकोणी परोठी बनाती हो। अरे जी परोठी बनाओ ना तो चकोर बनती है, चकोर चकोर परोठी मत बनाओ, कैसी बनाओ, त्रिकोणी त्रिकोणी। तुम क्या खाते हो? मैं कचौड़ी खाता हूँ। नहीं कचौड़ी मत खाओ, समोसा खाओ, वो भी तो देवी की पूरी कृपा होगी। और धड़ाधड़ लोग वहां जाते हैं। गीता में भगवान की जहाँ पे तुमने श्रद्धा थोड़ी सी भी एक पैर आगे बढ़ाई उस पे मैं तुम्हारी श्रद्धा को और क्या कर देता हूँ, जमा देता। तो भले साई बाबा हो, शनि देव हो, निर्मल बाबा हो या वो सारे बाबा हो जो इस समय जेल में बैठे हुए हैं, आसाराम बाबा हैं, आसाराम बाबा हैं, सर उनको जेल में कौन बैठे, राम रहा कहीं भी बैठे हो आज भी आशा राम के 80% शिष्य जो है उनको पूरा क्या कहते हैं गुरु मान के और भगवान मान के अभी भी उनकी पूजा है। 20% झड़ गए लेकिन 80% उनकी पूजा। ऐसे ही वो एक है ना राम रहीम वो भी जेल में है, उनके शिष्य भी भगवान मान के पूजा। ये सब भगवान की ही लीला है। तो गीता में भगवान कह रहे हैं
जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया वही लोग ही दूसरे दूसरे देवादेव की पूजा वही लोग ही जाते, कृष्ण भी तो बोलते हाँ, नहीं यही तो बता रहा हूँ मैं कि अगर तुम्हारे मस्तिष्क में कामनाएं हैं तो तुम ऊट पटांग जगहों पे अपनी श्रद्धा लगाओगे, पर वो श्रद्धा जमाएगा कौन? वो मैं जमा। तुम मेरी पे श्रद्धा नहीं लगाओगे, तुम दूसरों पे श्रद्धा लगाओगे और श्रद्धा को जमाएगा कौन? मैं जमाऊंगा। अगर कामनाओं के कारण कोई मेरे पे श्रद्धा करता है, खुद कृष्ण कह रहे हैं हमें, अगर कामनाओं के कारण कोई मेरे पे श्रद्धा करता है तो वो बहुत सुकृतिवान होता है, तभी करेगा, वैसे नहीं करेगा। अगर वो सुकृतिवान है तो वो मेरे पे श्रद्धा करेगा, वो उदार है। गीता में उसको क्या बोल दिया? उदार। भक्त नहीं बोला। अगर कामनाओं के कारण हम भगवान में कृष्ण में श्रद्धा लगाते हैं, सकाम भक्ति करते हैं, आर्ष हो, अर्थार्थी हो, ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, अगर हम इस भगवान में अपना मन लगाते हैं, तो गीता में श्लोक बोल रहे हैं कि अगर उसकी सुकृति होगी तो ये लोग मेरी शरण में आते हैं, ये बड़े उदार हैं, इनमें भी ज्ञानी बड़े अच्छे हैं, ऐसा कह दिया। लेकिन इन भक्त नहीं बताया। अगले श्लोक में वो भक्त की परिभाषा दे रहे हैं कि जो एकदम निष्काम होकर मेरी शरण में आते हैं वो निष्काम भक्त। तो इन देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो पूजा भी मेरे को मिलती है, ये भी कह रहे हैं वो पूजा भी मेरे को मिलती है, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। फिर भी ये बेवकूफ है, उनकी पूजा कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, पूजा मेरे को मिलेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी पूजा अविधि पूर्वक। अविधि क्या होती है? तो जो जो कार्य किया जाए और वो एकदम निशाने पे लगे तीर पूरा हो जाए तो वो तो है विधि, और तीर चलाओ और वो ठीक निशाने पे नहीं लगे तो वो क्या है? वो अविधि है। तो गुरुदेव उसको उदाहरण देते हैं, नाक पकड़ो, ये नाक पकड़ो, ये विधि। अब कहा नाक पकड़ो, कोई ऐसे नाक पकड़ो, ये क्या है? ये अविधि है। पूरी नाक भी नहीं पकड़ी जाएगी, पूरा काम भी नहीं होगा। तो एक विधि है और एक अविधि है। अविधि पूर्वक पूजा करने से कामयाबी नहीं मिलती है, पर पूजा की स्थापना खुद भगवान ही करा रहे हैं। और इधर ब्रज में वो इंद्र की पूजा को रुकवा रहे हैं। कारण क्या है? तो कारण वही है गीता में जो कहा, अभी महाराज जी कह रहे थे कि जिन जिन की हृदय में कामनाएं होती हैं वो दूसरे दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो अगर किसी देवी देवता की पूजा करे तो उस पूजा को मैं क्या करता हूँ? खत्म, उसको मैं एबॉलिश करता हूँ, उसको मैं समाप्त करता हूँ, वो पूजा में चलने नहीं देता। तो इसलिए ब्रजवासी कृष्ण के भक्त कृष्ण को अपना घर का सदस्य मानते हैं, पूजा तो वो करेंगे कृष्ण के लिए। अब किसकी पूजा करें? अभी तक देवी देवता की पूजा कर रहे थे, इंद्र देवता हो गए ना, देवता की पूजा कर रहे थे, अब अपनी पूजा भी करानी है तो उसके लिए उन्होंने ये स्टाइल बना दिया कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा कर, और गिरिराज गोवर्धन में अपने को स्थापित कर दिया। और अब गिरिराज गोवर्धन की पूजा की गई तो उनको भगवान मानकर और चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए और उन्होंने दिखाया, शक्ल तो लगी सब ब्रजवासियों की, शक्ल तो कृष्ण जैसी लगती है पर साइज बढ़ गया है इसका, कृष्ण का साइज छोटा है, साइज कृष्ण की तरह ही उन्होंने दिखाई दिया। वही इंद्र जिसने 7 दिन तक बारिश की सारे ब्रज को डुबोने के लिए और कृष्ण को भगवान नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में जब समझ गया कि ये भगवान है और सुरभि को लेकर आकर उसने प्रार्थना की, अपने को क्षमा करवाया, कृष्ण का
अभिषेक कराया, उनका नाम गोविंद रखवाया, इतना कुछ किया। लेकिन वही इंद्र के पास जब भगवान स्वर्ग में डायरेक्ट चले गए सत्यभामा को साथ लेके कि भाई परिजात का पेड़ ले जा रहा हूँ, तुम मनुष्य होकर परिजात का पेड़ कैसे ले जाओगे? लोग अब मन अब यहाँ फिर क्या है? वही अभिमान, समस्या क्या अभिमान, प्रतिष्ठा आशा। वो मन शिक्षा में बता रहे हैं चंडाल ने और कपटता क्या है, गले के मूत्र में स्नान करना। ये दोनों ही चीजें जो हैं हमारे आगे ऐसा पर्दा कर देती हैं, ऐसा पर्दा कर देती हैं कि हमको भगवान भगवान ही नहीं दिखाई देते, महात्मा महात्मा नहीं दिखाई देते, वैष्णव वैष्णव नहीं दिखाई देते हैं, कर्तव्य कर्तव्य नहीं दिखाई देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों से हम क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ लाइन हो जाते एकदम। इस अभिमान से अपने को बचाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अभी महाराज जी बतला रहे थे ना साधु संघ, साधु संघ का उद्देश्य यही होता है। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है अभिमान, साधु संघ में गायब हो जाएगा, घुल वो नहीं घुलेगा, गायब हो जाएगा। लेकिन अपनी कोशिश से किया जाए तो वो नहीं हटने वाला है। हटने की बात तो छोड़ो, फिर पलट पलट के वापस आ जाए, जैसे इंद्र का आया फिर पलट गया, फिर भगवान से लड़ा, युद्ध किया, भगवान ने हरा दिया उसको, और फिर भगवान भी इतने दयालु कि फिर भी उसको पोस्ट से नहीं उतारा, भैया तू है ही ऐसा क्या वहीं पे चला। अब देखो ब्रजवासियों की स्थिति, माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह में विश्व ब्रह्मांड देखा, ढूंढ रही थी मिट्टी और मिल गया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बना तो मिट्टी से, मिट्टी की जगह क्या मिल गया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड कि वो घबरा गई, और घबरा कर वो प्रार्थना करने लगी। पता है क्या प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, हे मेरे नारायण, मेरी इस लड़के से आसक्ति हटा दो, इसके प्रति मेरी आसक्ति मुझको बड़ा परेशान कर, आए दिन कुछ ना कुछ इसके ऊपर हो जाता है और फिर मेरा दिल घबराता है। क्यों घबराता है, क्योंकि मेरी इसमें मुझे विरक्त कर। अब कृष्ण सोच रहे हैं जिस माँ का वात्सल्य प्रेम का स्वाद लेने के लिए मैं बालक की लीला कर रहा हूँ, और वो कह रही है भगवान से मेरे को विरागी बना दो, मेरे को विरक्त बना दो, ये अपने घर वाल की क्या कहते हैं अनुरक्ति से दूर कर दो, बच्चे की अनुरक्ति से दूर कर दो। उसी समय उन्होंने योग माया को बुलाया, भैया आ जाओ तुम, बहुत हो गया। योग माया को बुलाया और योग माया ने ऐसा चक्कर चलाया और ब्रह्मांड गायब हो गया, और माँ भूल गई कि मैं ब्रह्मांड देख रही, बस बच्चे को गोदी मिल गया। तो वो बोलते हैं ये है प्रेम, प्रेम का एक इतना बड़ा वहां पर व्यापार है कि उसके अंदर ये भगवान नहीं है, ये कोई और है, ये विचार वहां के भक्तों में आता है, किसी के अंदर ये विचार नहीं है। लेकिन जब गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया ना, जिस समय गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया उस समय ये ब्रजवासी परेशान हो गए। हमारे गुरुदेव भी बतलाते थे नंद बैठक में हमारी परिक्रमा ले जाते थे ना, वहां बोलते थे नंद बैठक में सब लोगों ने मीटिंग कराई, नंद बाबा को बुलाओ जरा, उसको कहना है कि देख ये तेरा लड़का जो है ना, या तो ये भगवान है या कोई बहुत ऊंचा है,
और यहाँ जन्म लिया है और तेरी भार्या जो है ना ये इसके ऊपर बड़ा अत्याचार करती है, कभी इसके कानों में मेट देती है, कभी इसे छप्पड़ मार देती है, कभी इसे झंडा दिखाती है, कभी इसे मान देती है। भैया हम हमारे अपराध हो जाएंगे भगवान के चरणों में। जिसने 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथ पे उठाया, अब कृष्ण कह मैं कैसे बताऊं कि एक जन्म में मैं कछुआ बना था तो मेरा मंदराचल मैंने पीठ पे उठा लिया था, ये गिरिराज गोवर्धन तो उसके आगे बड़ा मामूली सा है, ये तो मैंने पीठ पे। और बलदेव जी हंस के कह रहे हैं वाह जी वाह लला बड़ा अपना तू उत्सव मना रहा है, पता है मेरे एक बलदेव जी के जो विस्तार है वो है महासंकर्षण, फिर उसके बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद महाविष्णु, महाविष्णु के बाद गर्भोदक्षेय विष्णु, गर्भोदक्षेय विष्णु के बाद गुरुदक्षेय विष्णु, उसके बाद जाके अनंत शेष, अनंत शेष अपने हजारों फणों के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को एक राई के तिल के समान उठा के रखा हुआ है और तूने एक ब्रह्मांड एक छोटा सा पर्वत को उंगली पे उठाकर इतने नखरे दिखा रहा है अपने एक गोपियों को तो क्या कहते हैं रिझाने के लिए ये सारी के सारी कार्य, कौन सा बड़ा काम कर दिया। बलदेव जी को ये काम काम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ब्रजवासी लोग बड़े बड़े सामने हैं, उन्होंने एक मीटिंग बनाई, सबने मीटिंग और नंद बाबा को कहा कि भैया अब इस लड़के के ऊपर हमारे को अपना व्यवहार बदल के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना। अब गुरुदेव वैसे बताते हैं कि नंद बाबा ने कहा कि हम गोप है ना, गोप जाति के लोगों की अक्ल जो है ना वो 80 साल की उम्र के बाद आनी शुरू होती है, उससे पहले हम बेवकूफी रहते हैं, अक्ल दाढ़ आती है कब आती है 80 साल के बाद आती है, तब तक हम बेवकूफी बन जाते हैं, तुम भी वैसे ही हो बेवकूफ। अब देखो एक तरफ इसने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया तो तुमको ये बड़ा भगवान दिखाई देने लगता है, लेकिन जब ये माँ के पास आता है और दूध पीने के लिए हल्ला मचाता है और जमीन पे लोटपोट होता है लेटता है तो तुमको ये भगवान दिखता है, ये पैदा हुआ था हाँ हुआ था, फिर ये बढ़ रहा है धीरे धीरे हाँ भगवान का संग ऐसा होता है क्या, पैदा होता है फिर बढ़ता है फिर इतने साल का हो गया, फिर ये लोगों के घर में मक्खन चुराता है, भगवान कोई मक्खन चुराता है, भगवान को भूख लगती है, कहाँ से भगवान है ये बतलाओ। हाँ गर्गाचार्य जी ने मुझको बोला था कि तुम्हारे बेटे कुछ स्पेशल है, क्या स्पेशल है कि सतयुग में ये सफेद रंग का था और त्रेता में ये लाल रंग का था, ये वहां के भगवान के जो अवतार होते हैं उसमें रंग होता है, और कलयुग में किस रंग का है पीले रंग का, और अभी द्वापर में ये काले रंग का है इसलिए इसका नाम कृष्ण रंग, कृष्ण काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण रंग, लेकिन इसके ऊपर नारायण की बड़ी कृपा रहेगी और ये बड़े बड़े कार्य कर देगा, तो नारायण इसके अंदर घुस जाता है और प्रवेश करके अपने काम करा देता है, इसके ऊपर तुम क्यों इल्जाम लगाते हो कि ये नारायण, यानी उनको ये लग रहा है कि ये नारायण मानेंगे तो इल्जाम लग गया, नारायण नहीं है ये क्या है, नारायण इसके अंदर प्रवेश करके काम कर रहा है, ये कभी मत सोचना कि ये नारायण, वो ये समझा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आंखों में अगर प्रेम छाया हुआ हो तो भगवान भी अपना बच्चा दिखाई देता है, और आंखों में अगर अभिमान छाया हो तो भगवान भगवान नहीं, ये प्रेम अपने आंखों में लाना है जिसके कारण हम जिसे कहते हैं सही चीज देख सके, वी कैन सी द थिंग एज इट इज, जो चीज है वैसे की वैसे दिखाई दे, वो कौन से
से कौन सा चश्मे का नंबर होना चाहिए? प्रेम का चश्मा। प्रेम का चश्मा पहनेंगे तो सब चीज हमें एज इट इज दिखाई देगी, और अगर हम अभिमान का चश्मा पहनेंगे तो हमको वो चीज जो है वो सब उल्टी सीधी दिखाई देगी। उल्टे गुरु लेंगे, उल्टे हम उपासी लेंगे, उल्टे हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ उल्टा। बहुत प्रेम।